if we give a Hindi sentence to the student and they promote it and they make English, the conversation part becomes very easy. In this way, when we make sentences in Hindi small or when we make sentences very long in English, so they have got the capability or they have got the capacity to make the good translation of Hindi to English. English is going to be good, but with the help of this practice, Hindi is also be going very good because हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हिंदी कमजोर होती है और हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश कमजोर होती है। हिंदी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हिंदी देश के वासी हैं। इंग्लिश हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बाहर के लोगों से इंटरेक्ट होना है। अब दोनों लैंग्वेज में आप सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी पर ध्यान देंगे तो दो पहियों की गाड़ी है, ये गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए दोनों सब्जेक्ट पर, दोनों चीजों पर, दोनों लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दीजिए और जो अपने आसपास हम हिंदी बोल रहे हैं उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप जो रास्ते में हिंदी बोलते हैं क्या वो शुद्ध है। अगर नहीं है तो उसे धीरे धीरे करके प्रमोट कीजिए, कोशिश कीजिए, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ये जो पैटर्न है ये याद करने का और रटने का नहीं है, ये पैटर्न जो है वो आपको ये याद दिलाने का है कि आप हिंदी में किस बैलेंस पे बात करें, इंग्लिश में किस बैलेंस पे बात करें। आपका शब्दकोश हिंदी में बहुत अच्छा होगा, वोकैबुलरी इंग्लिश में अच्छा होगा, वर्ड पावर इंग्लिश में अच्छा होगा, आपको बोलने के कई विषय मिलेंगे, कई सब्जेक्ट मिलेंगे, कई टॉपिक मिलेंगे और कई आपको तथ्य मिलेंगे जिन पर आप बात कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपके पास शब्दकोश का होना बहुत जरूरी है और उससे पहले जो जरूरी वो ये जरूरी कि आप जिस प्रकार बोलते हैं तो क्या वो सिद्धांतिक भाषा है, क्या वो सिस्टमेटिक है, नहीं है तो उस पर इम्प्रूव कीजिए। बच्चों पर खासतौर से ध्यान दीजिए कि उनकी लैंग्वेज में कोई चेंजेस ना, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे और अच्छे से कम्युनिकेशन होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।